नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीबी व्हाट्सएप का जो पेंडेड हो चुका है सबके, उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, उसको कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊँगा और वो ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपका भी व्हाट्सएप बैन हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरी होम स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे बैन हो चुका है, टेम्पररी बैन हो चुका है। वैसा आप प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लाट रहता हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर होम स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप यहाँ पर बैन हो चुका है और मेरा टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन मुझे दी गई है, योर टेम्पररी बैन फॉर व्हाट्सएप बिकॉज यू हैव वायलेट अवर टर्म्स एंड सर्विस। तो दोस्तों, इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको हम लोग यहाँ पे वायलेट करते हैं तो हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे बैन हो चुका है और ये ऑफिशियली व्हाट्सएप नहीं है तो हम लोग यहाँ पे उसके बैन होने के रीज़न यहाँ पे पता करेंगे अबाउट टेम्पररी बैंडेड अकाउंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे FAQ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप व्हाट्सएप के जो ऑफिशियली वर्जन को यहाँ पे कुछ गलत मोडेड वर्जन में कुछ करते हैं या फिर कुछ उसके टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ जाते हैं तो आपका व्हाट्सएप यहाँ पे बैन हो जाता है। और जी भी व्हाट्सएप ऑफिशियल नहीं है, उसको आपके जैसे और मेरे जैसे ही किसी ने बनाया है और यहाँ पे उसके टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ हम लोग कुछ करते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप जी भी व्हाट्सएप बैन हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपना जी भी व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जी भी व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करने का रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कभी भी आपके साथ बैन हो जाएगा और कभी भी आपका डेटा चला जाएगा। तो उससे पहले आप उसका चैट बैकअप ले लीजिए, जैसे आपको यहाँ से डायरेक्टली अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है तो आप डायरेक्टली उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर रिमूव होम स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको अनइंस्टॉल कर लिया है। उससे पहले आपको यहाँ पे चैट बैकअप ले लेना है। दोस्तों, काफ़ी फायदे है इसके जी बी व्हाट्सएप पे, आपको भी पसंद है मुझे भी पसंद है, मगर ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं मिलते हैं। मगर सभी जी बी व्हाट्सएप यहाँ पे बैन किए जा रहे हैं तो आप अपना जी बी व्हाट्सएप का पहले ही बैकअप ले लीजिए और उसको यहाँ पे नॉर्मल प्ले स्टोर के अंदर व्हाट्सएप इंस्टॉल कर डाउनलोड करके अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों, ये आपके साथ भी होगा, मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपके साथ ना हो उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप उसका पहले ही बैकअप ले लीजिए और नॉर्मल व्हाट्सएप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में वापस मिलेंगे। और आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे डिस्काउंट के लाते तो दोस्तों नेक्स्ट में वापस मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।